वन हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियोस में हम करेंगे जीन पियागे की बात। बेसिकली जीन पियाजे की जो थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि जो जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलता ही मिलता है, दो से तीन क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरीज एंड थॉट्स जो आपका एक पेडागोजी का पोर्शन है, इसमें से आपके 5 से 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मिनिमम 5 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो दी थी किसने, जीन पियाजे ने, क्या है कॉग्निटिव थ्योरी, क्या किसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विकास। तो जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिए थे, वो बेसिकली क्या है, बिलीव्स दैट डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन लर्न। उन्होंने फोकस किया था इस बात पे कि चिल्ड्रन कैसे लर्न करते हैं, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी में लर्न की थी, कॉग्निटिव थ्योरी में इन्होंने स्टडी की थी, जो हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आई एम पूजा शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, कोई भी लेक्चर लाइव हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियागे थ्योरीज इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जीन पियाजे हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जीन पियाजे 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। 84 साल तक ये जीवित रहे और जेनेवो में इनका जन्म हुआ था, स्विट्जरलैंड बेसिकली। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं ये, एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं, जो वर्क फॉर सेवरल डिकेड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जिन्होंने दशकों तक स्टडी की, और क्या स्टडी की उन्होंने, कि जो बच्चे हैं, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने स्टडी की, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, किन किन चीजों का उनके जो सीखने पर प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर स्टडी की। तो मोस्ट वाइडली नोन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो सबसे ज्यादा जाने वाली इनकी थ्योरी है, वो कौन सी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो वाज इंटीग्रेटेड बाय किड्स थॉट्स एंड बिहेवियर एंड वर्क टू अंडरस्टैंड देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के थॉट्स कैसे हैं, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे किस चीज को जल्दी सीख रहे हैं, बच्चे के सीखने पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें पियाजे ने जो है स्टडी की। बैकग्राउंड क्या है पियाजे का, तो यंग पियागे ने बहुत ही प्रीशियस, इनक्रेडिबली प्रीशियस है ये, इन्होंने 10 साल की उम्र में ही एक फर्स्ट पेपर पब्लिश कर दिया था। इन्होंने लिखा था, रोट ऑन मोलस्क, बेस्ड ऑन दीज राइटिंग वॉज आस्ड टू बी क्यूरेटर ऑफ मोलस्क एट द म्यूजियम इन जेनेवा। इन्होंने मोलस्क के बारे में लिखा था, और मोलस्क क्या होते हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में घोंघा ऐसे भी बोलते हैं, जो स्नेल मोलस्क है ये यहाँ पर, तो इन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी और इन्होंने इसके बारे में लिखा था। तो ये इनकी राइटिंग देखकर जेनेवो के म्यूजियम से इनको बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने वो डिक्लाइन कर दिया था, क्यों, उस टाइम ये अपनी सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे। अर्न हिज डॉक्टरेट इन नेचुरल साइंस एट 21। इन्होंने अपनी डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी इन्होंने कर ली थी नेचुरल साइंस में 21 की एज में ही। बिगेन टू स्टडी साइकोलॉजी अप्लाइंग इंटेलिजेंस टेस्ट टू स्कूल चिल्ड्रन। इन्होंने साइकोलॉजी को लर्न करना, पढ़ना स्टार्ट किया और इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किए स्कूल के चिल्ड्रन पर। इनके बारे में बात करें तो इनकी 3 बच्चे थे जिन्होंने इन्होंने उन पर स्टडी की, बेसिकली 2 लड़कियां और 1 लड़के। तो इसको लेकर इनकी काफी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि बच्चों पर ये स्टडी कर रहे थे, तो इनका मानना था कि बच्चों पर जो है वंशानुकरण, यानी कि जो भी माता पिता से गुण मिलते हैं, या आसपास का आपका वातावरण है, जो आपकी फैमिली का वातावरण है, दादा दादी नाना नानी, इन सब का जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये मानना था जीन पियाजे का। लेकिन जो इन्होंने स्टडी की थी वो अपने ही बच्चों पर की थी, 2 लड़की 1 लड़के, तो इसलिए इनकी आलोचना भी हुई थी। इन्होंने 32 बुक लिखी टोटल में, और इन्होंने एक जो है लैब भी ओपन की थी।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन। यानी कि जो बच्चा है वो जो सीखेगा अपने संसार से, अपने आसपास के वातावरण से, वो कैसे सीखेगा, जितना वो एक्टिव इन्वॉल्व होगा, जितनी वो इंटरेक्शन करेगा यानी कि जितनी वो बातचीत करेगा, आप एक तरीके से कह सकते हो प्रतिक्रिया करेगा और इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसके बेस पे वो सीखेगा। स्टडीज हिज थ्री चिल्ड्रन टू फोकस नॉट ऑन व्हाट द न्यू बट हाउ द न्यू इट। इन्होंने अपने बच्चों पे ही स्टडी की थी। इन्होंने फोकस किस बात पे किया था, इन्होंने इस बात पे फोकस नहीं किया कि वो क्या जानते हैं, बल्कि उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि वो कैसे जानते हैं यानी कि वो कैसे सीख रहे हैं, किस किस चीज का प्रभाव है जो इन पर पढ़ रहे हैं। तो डिस्क्राइब चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग एज देयर स्कीमास। इन्होंने जो चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग है उनको कैसे डिस्क्राइब किया, इन्होंने उसको डिस्क्राइब किया स्कीमा से। तो और स्कीमा से पियाजे का क्या अभिप्राय है, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके यानी जिसको कि जनरलाइजेशन किया जा सके, जिसका जनरलाइजेशन हो सके, इन्होंने इसको स्कीमा किया है। और हाउ दे यूज, कैसे वो यूज करते हैं, ये बेसिकली इन्होंने दो वर्ड ज्यादा यूज किए हैं अपने सिद्धांतों में, एक है संगठन और एक है अनुकूलन, यानी कि एक है ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को आप एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो। तो ये एडेप्टेशन यानी कि एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, तो पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने पर्यावरण के साथ साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, यानी कि वो अपने वातावरण में कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे उसको अनुकूल होना है, ये उसकी बाय बर्थ है, तो वो उसकी जन्मजात है। इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट यानी कि एडेप्टेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसके अनुसार बालक प्रारंभ से ही पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बालक वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थिति में के सम्मुख होता है, उस समय उसकी मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य नहीं करती बल्कि एक साथ संगठित होकर ज्ञान वर्जित करने में उसकी सहायता करती है। तो बेसिकली जो दो थी, पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण बताया और दो उपक्रिया बताई है जो यहाँ पर दी गई है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज समंजन और एसिमिलेशन इज आत्मसात्करण। अब आत्मसात्करण क्या होता है और जो है आपका समंजन क्या होता है यानी कि एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन क्या होते हैं, ये हम आगे की पीपीटी में देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अजम्पशन दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये मानना कि जो सीखना है, सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक एक्टिव प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का, रादर देन ए पैसिव एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और रोट मेमोराइजेशन, ना कि आत्मसात्करण का एक ये हमेशा सीखते रहने का प्रोसेस है। ये नहीं कि जो आपको आता है, जो आपको याद है, बस वही आपको आता है। कंस्ट्रक्ट आप करते हो, जितना आप सीखते हो उतना ही आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हो। क्रेडिटेड फॉर फाउंडिंग कंस्ट्रक्टिविज्म, इनको क्रेडिट दिया गया है किस बात का कि कंस्ट्रक्टिविज्म का इन्होंने फाउंड किया था। हैज अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन स्कूल, और अमेरिकन स्कूल पर इनका बहुत ही जो है बड़ा प्रभाव था। पियाजे एंड कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हम करें तो बेस्ट नोन फॉर आइडिया दैट इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। तो बेस्ट किस लिए जाने जाते हैं कि इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट करते हैं देयर अंडरस्टैंडिंग, वो सीखते हैं, और जो लर्निंग है, जो एक सीखने की प्रक्रिया है, वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग एज अपोज्ड टू सिंपली एब्जॉर्बिंग इन्फो फ्रॉम ए टीचर बुक। ये नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जो आप बुक से पढ़ रहे हो, बस वही एब्जॉर्ब करना है, बल्कि एक्टिव लर्निंग इससे अलग है। जो आप सीखते रहते हो अपने आप से, जो बच्चा एक अपने आप से सीखता रहता है। द चाइल्ड इज सीन एज लिटिल साइंटिस्ट कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जली अलोन। जब आप छोटे बच्चे को देखते हो तो वो किसी ना किसी चीज में लगा रहता है और अपने आप से जो सीखता रहता है वो इसकी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है। पियाजे एंड कंस्ट्रक्टिविज्म में और क्या है कि बिलीव्ड ऑल लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड वेदर इट इज समथिंग वी आर टोट और समथिंग वी लर्न ऑन आर ओन। जो हर एक लर्निंग है, जो भी सीखने की प्रक्रिया है, वो कंस्ट्रक्टिव है, या तो आप अपने आप से सीख रहे हैं या आपको कोई और सिखा रहा है, कोई और आपको सीखने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो सारी की सारी लर्निंग बेसिकली कंस्ट्रक्टिव है। Whether or not we are taught in a constructivist manner, Piaget believed we are constructing knowledge in our own learning. तो जितना हम सीख रहे हैं हम अपनी लर्निंग में उसको इजाफा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
प्लेजेंट लर्निंग, प्लेजेंट लर्निंग की बात करें तो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम दो स्टेट्स उन्होंने मेन मानी थी। बिलीव दैट वी आर ड्राइवन और मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन वी आर इन डिसइक्विलिब्रियम, जब हम डिसइक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि जो है समीकरण एक साथ नहीं है हमारे, तो हम मोटिवेट किए जाते हैं और सीखने के लिए। तो जो हम मोटिवेशन लर्न करने के लिए जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में होती है। वी वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, हम चीजों को समझना चाहते हैं, तो द लेवल ऑफ डिसइक्विलिब्रियम मस्ट बी जस्ट राइट और ऑप्टिमल। जो लेवल है डिसइक्विलिब्रियम का वो राइट होना चाहिए, ऑप्टिमल होना चाहिए। टू लिटल एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजेस टू मच एंड वी मे बी एंग्जाइज टू चेंज। अब बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम है एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर बैलेंस एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जो इक्विलिब्रियम है वो एक प्रोसेस है सर्च करने का कि क्या एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को बैलेंस करने का। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण, एकोमोडेशन यानी कि समुंजन। वी एडजस्ट आर आइडियाज टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी, हम अपने विचारों को एडजस्ट करते हैं, एक जो अनुकूल करते हैं, किस लिए, सेंस ऑफ रियलिटी मेंटेन करने के लिए। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण क्या है, प्रोसेस ऑफ मैचिंग एक्सटर्नल रियलिटी टू एन एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस है जिसमें आप जो एक्सटर्नल रियलिटी है उसको मैच करते हो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से, संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर से, संज्ञानात्मक संरचना से मैच करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, द फर्स्ट टाइम मैनी चिल्ड्रन सी ए स्कंक दे कॉल इट ए किटी, दे ट्राई टू मैच द न्यू एक्सपीरियंस विद एन एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ आइडेंटिफाइंग एनिमल्स। जैसे एक बार जो बच्चा, छोटा बच्चा बिल्ली को देखता है, बिल्ली के बच्चे को, उसी तरीके का अगर वो कोई और जानवर उसी पैटर्न का उसी तरीके से वो देखेगा तो उसको बिल्ली समझेगा, फिर धीरे धीरे वो चीजें समझेगा कि अच्छा ये शेर हो सकता है या कुछ और है, तो वो चीजें वो धीरे धीरे सीखता है। तो आत्मसातकरण बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यानी कि जो वो भी बच्चा जो भी चीज देखता है वो उस पर पहले वो अप्लाई करता है जो उसको आता है, जो उसने सीखा हुआ है, चाहे वो उसकी योजनाएं हैं या मानसिक प्रक्रिया, उसका सहारा लेता है। तो यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है आत्मसातकरण। तो पियाजे ने क्या कहा, पियाजे के अनुसार जीव वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मसातकरण व्यक्ति की विकसित अथवा विकासशील संरचनाओं में बाहरी तत्वों के समन्वित हो जाने की प्रक्रिया है। यानी कि पियाजे के अनुसार नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। यानी कि जो आपको पीछे से चला रहा है, जो आपने सीखा है बस आप वही करते हो, उसमें आप धीरे धीरे परिवर्तन भी लाते हो और पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान से एक नए ढांचे को पैदा करता है। तो बालक का अनुभव जो का त्यों रहता है, केवल उसके अनुभव में ही परिवर्तन होता है, वो धीरे धीरे अनुभव करने लग जाता है, जो उसकी बेसिक चीज है वो तो वो सीख चुका है, अब उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होकर वो आगे सीखता रहता है। अकोमोडेशन की बात करें तो व्हेन देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लर्नर्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड द थिंग बीइंग लर्न्ड, द चाइल्ड विल रिऑर्गेनाइज हिज हर थॉट्स। जब एक इनकंसिस्टेंसी होती है किसमें, जो लर्नर्स के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, यानी कि जो सीखने वाले उसके संज्ञानात्मक संरचना में, और द थिंग बीइंग लर्न्ड और जो वो सीख चुका है, चाइल्ड क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है अपने थॉट्स को। एग्जाम्पल के तौर पर, चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट accommodation when they add the schema of reorganization skunks to their order other systems for identifying animals। तो समंजन, जो accommodation हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। तो पियाजे ने क्या कहा कि बालक आत्मसातकरण यानी कि assimilation और accommodation समंजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, वो दोनों के बीच एक संतुलन कायम करता है, assimilation में भी और accommodation में भी। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या आती है तो उसमें उसके संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है और जिसे दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण या समंजन दोनों ही प्रक्रियाओं को लगाना वो शुरू कर देता है। तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब वो दोनों ही चीजों को लगाना शुरू कर देता है, एसिमिलेशन को भी और अकोमोडेशन को भी। एसिमिलेशन जो चीज आपको आती है आप उसको अप्लाई करते हो, अकोमोडेशन में आप थोड़ा और सीखते हो। तो इसलिए ये साम्य धारण की प्रक्रिया बच्चे के पूर्व अनुभव पर ही नहीं निर्भर करती बल्कि शारीरिक परिपक्वता भी निर्भर करती है। आगे देखते हैं हम, अब जो मेन है, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से जो हमने पढ़ी, जो भी उसने यूज की, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, एडेप्टेशन है, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने पढ़ी। अब जो मेन
जिसके लिए पियाजे जाने जाते हैं वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट स्टेजेस। तो कॉग्निटिव स्टेजेस क्या है, ए चाइल्ड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज। एक जो बच्चा है उसकी कैपेसिटी है चीजों को सीखने की, चीजों को समझने की, वो किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज पर, कि बच्चा ने क्या 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 डेवलपमेंट स्टेज है उसकी, कैसे कैसे वो डेवलप कर रहा है, वो उस पर जो है निर्भर करती है। अब वो क्या है, वो यहां पर हम देखते हैं प्यागे की, प्याजे ने फोर स्टेजेस दी हैं, तो उससे चार स्टेजेस में बेसिकली बांटा है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, चार है बेसिकली। तो उन चारों में क्या क्या है, बेसिकली चार जो है, एक है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि स्थूल या मूर्त संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पर क्या है, बिलीव दैट ऑल चिल्ड्रन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू फोर स्टेजेस बेस्ड ऑन हाउ दे सी दी वर्ल्ड। जो बच्चों का विकास होता है वो इन चार स्टेजेस पे होता है, कि वो कैसे संसार को देखता है वो इन चार चीजों पर, उसके डेवलपमेंट स्टेज पर निर्भर करता है। He thought the age may vary some, but that we all go through these stages in some. कि एज हो सकता है थोड़ा इधर उधर, कुछ वैरी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन स्टेजेस ये चार ही होती हैं, इन चार स्टेजों से ही बच्चा जो है गुजरता है। तो पियाजे ने किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता के बारे में यहाँ पर किया है, कि पियाजे के अनुसार बालक में ऐसी क्षमताएं कहां से शुरू होती है, दो वर्ष की आयु से शुरू होती है। अब एक एक स्टेज करके हम पढ़ेंगे। पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था ये एक जो है, संवेदी पेशीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है यानी कि पहली अवस्था है, और ये कब तक होती है, ये जन्म से लेकर दो वर्षों तक होती है। तो बर्थ टू अबाउट टू इयर्स रैपिड चेंज इन स्टेज थ्रू आउट, इसमें रैपिड चेंज दिखाई देता है, जो ज्यादातर बोला जाता है कि जितना बच्चे को सीखना होता है वो चार से पांच साल में सीख लेता है, और दो साल में बेसिकली 90% तक अपना सीख लेता है। तो जन्म के समय बच्चे में केवल सहज क्रियाएं होती हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो पियाजे ने इन्हें क्या कहा है, इन्हें सहज स्कीमा कहा है, रिफ्लेक्स एक्शन। इन सहज क्रियाओं और ज्ञान इंद्रियों की सहायता से बच्चा क्या करता है, वस्तु है, ध्वनि है, रस, गंध, इन सब का अनुभव करता है, और समय के साथ परिवेशीय उद्दीपकों की उपस्थिति से परिचित हो जाता है। इस अवस्था को अर्थात इसमें बच्चा अपने इंद्रियों का प्राथमिक अनुभव करता है, कि उसको पता चल जाता है किसको टच करना है, क्या कोई वस्तु है, आवाज है, कोई टेस्ट है, तो ये सब चीजें उसकी आने लग जाती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, चाइल्ड विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी। बच्चा सेंसेस से और मोटर एक्टिविटी से सीखना है, हाथ पैर मारने से या सेंस से, इन चीजों से सीखता है। अर्ली ऑन बेबी कांट टेल डिफरेंस बिटवीन दैमसेल्फ एंड द एनवायरमेंट। जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में बच्चा नहीं बता सकता कि उनमें या एनवायरमेंट में क्या फर्क है। कैन लेटर फॉलो समथिंग विद देयर आईज, धीरे धीरे वो अपनी आंखों से देखता है, अनुभव करता है। बिगिन टू रिकॉग्नाइज, धीरे धीरे वो वस्तुओं की पहचान करना शुरू करता है। ऑब्जेक्ट डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर हिडन। Moves from reflex action to goal oriented activities, यानी कि वो जो सहज क्रिया है उससे वो goal oriented activities में जाता है। तो सहज क्रियाओं की अवस्था क्या होती है, जो stage of reflex action हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी अवस्था क्या होती है, तो इस अवस्था की अवधि जन्म से लेकर 30 दिन तक होती है, जिसको हम बोल रहे हैं stage of reflex action। इस अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है, जैसे वस्तु को मुंह में चूसने की प्रक्रिया, जैसे बच्चा होता है हम एक वो की ला के देते हैं उसको इस तरीके की, तो मुंह में चूसने की प्रक्रिया को शुरू करता है। यह क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है, बच्चा अपनी क्रिया के परिणामों को समझने लगता है और उसी के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रण में लाता है। उसके बाद होती है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन। इसमें क्या करता है, उप अवस्था की इस अवधि में 1 मास से 4 मास तक रहती है। इस अवधि में बच्चों की सहज प्रक्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती हैं और एक दूसरे के साथ समन्वित होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रमुख कहा जाता है। फिर आती है उसकी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी, यानी कि यह अवधि होती है उसके 4 से 6 महीने तक की। इस अवस्था में बच्चा छूना सीखता है, स्पर्श करना वस्तु को, इधर उधर करता है वस्तु को, तो ये सारी चीजें सीखता है, साथ में वो कुछ सुख पहुंचाने वाली क्रियाएं भी करता है। तृतीय वर्तीय अनुक्रिया क्या होती है, इस अवस्था में क्या होता है, 12 से 18 मास तक की होती है, और इस दौरान क्या होता है कि बच्चे वस्तुओं के गुणों को भूल या प्रयास, ट्रायल या एरर से सीखते हैं।
फिर उसके बाद आती है 8 से 12 महीने तक। 8 से 12 महीने तक बच्चे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों में अंतर लाने लगते हैं। इससे क्या होता है, अपने बड़ों की क्रिया का अनुकरण करने लगते हैं। जैसे कि बच्चे बड़े बड़े करेंगे वैसे ही वो शुरू कर देता है करना। फिर उसके बाद होती है हमारी स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मींस थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन, यानी कि मानसिक सहयोग द्वारा। तो 18 से 24 महीने तक वो क्या करता है, बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझना शुरू कर देते हैं कि ये चीज पहले थी अब नहीं है, तो वो सब चीजें उसको सारी समझ आने लगती है। ये पूरा था हमारा बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक का। सेकेंड अगर हम बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 साल तक। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया गया है। तो इस अवस्था में भी बेसिकली 2 उपअवस्थाएं होती हैं, बेटर स्पीच कम्युनिकेशन इसमें बच्चा सीखता है, डेवलप करता है बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज उसको आती हैं, स्टिल प्रैटी इगोसेंट्रिक नॉट सेल्फिश, वो बल्कि इगोसेंट्रिक हो जाता है, बट एज डिफिकल्टी सीइंग अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर कोई और उसको देखता है तो वो सेल्फिश और इगोसेंट्रिक हो जाता है, वो प्रैटी होता है लेकिन इगोसेंट्रिक बन जाता है, लर्निंग टू बी एबल टू डिले ग्रेटिफिकेशन, कांट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये सब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो भी 2 उपअवस्थाएं हम यहाँ पर मानकर चलते हैं, एक है पूर्व संप्रयात्मक अवधि और एक है अंतर्दर्शी। तो प्री कंसेप्शनल पीरियड होता है और एक होता है इन्यूरेटिव पीरियड। तो प्री कंसेप्शनल पीरियड में क्या होता है, बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को प्राणियों में वस्तुओं और शब्दों में संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। 2 से 4 साल तक होता है, बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, खेलते हैं, उनसे सीखते हैं। तो 4 वर्ष तक के सभी बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में लेते हैं और समझते हैं। हम यही बताते हैं, अच्छा ये घोड़ा है खेलने वाला, तो वो उसको सजीव मानता है, वो चीजों को सजीव मानता है, उसको हम बोलते हैं जीववाद। 4 साल तक बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव मानता है, उसको हम बोलते हैं जीववाद। बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं, जो वो सोचते हैं यही सही है। उसके बाद हमारा आता है इंट्यूटिव पीरियड, ये होता है 4 साल से लेकर 7 साल तक। इसमें क्या होता है, बच्चा लैंग्वेज सीखता है, चिंतन करता है, तर्क करने लगता है, डिबेट करने लगता है आपके साथ, ठीक है, उसकी कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, हालांकि चिंतन और तरक्की। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में मूर्त प्रत्ययों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण भी होने लगता है, वे रट कर सीखने लगते हैं, याद नहीं करेंगे रट के सीखते हैं। तो यह कैसे होता है, ये उनकी समझ में नहीं आता है, बस ये सीख लेते हैं कि 2, 2, 4 होते हैं, होते कैसे हैं वो अभी तक नहीं समझ पाते हैं इस पीरियड में। तो बच्चा स्वार्थी नहीं होता, वह दूसरों के संपर्क में रहकर ज्ञान की प्राप्ति करता है और धीरे धीरे वह प्रतीकों का ग्रहण करने लगता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पर, ये है। तो इसमें बेसिकली क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कि अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग डज नॉट चेंज इवन दो इट लुक्स डिफरेंट, शेप इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटी। तो शेप क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। आर 10 coins सेट इन अ लॉन्ग लाइन मोर देन 10 coins इन ए पाइल, इज देयर लेस वाटर इफ इट इज पोर्ड इन टू ए बिगर कंटेनर। उनको क्या लगता है, पानी अपने ग्लास में तो ग्लास पूरा भरा है, उसी को आप किसी और बड़े बर्तन में डाल देंगे, उनको लगेगा पानी कम है, लेकिन होता ही क्या है। तो वो चीजें देख देख के सीखना शुरू करता है। उसके बाद क्या है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड आती है और कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब गाइडलाइंस क्या है, अगर आप किसी बच्चे को आपने सिखाना है जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड है यानी कि 2 से 7 साल तक का बच्चा, उसको आप कैसे सिखाते हैं, Use concrete props and visual aid. उसको जितना उसके उसको दिखा के सिखाओ, उनको props से सिखाओ। When you discuss concepts such as part, whole, one half, use shapes on a felt board or cardboard, pizzas demonstrate. जब आप उसको कोई शेप सिखा रहे हो, ये किसी का हिस्सा है, ये 1/2 है, 1/2 है, होल है, तो वो आप उनको शेप्स दिखा के सिखाओ ताकि वो समझे, पिज्जा कार्डबोर्ड कि ये इस तरीके का ये शेप ये है। तो वो चीजें आप जितना आप उसको दिखा के समझाओगे, जितना आप उसको प्रैक्टिकल समझाओगे, तो उसको वो चीजें अच्छे से आएंगी। Let children add and subtract with sticks, rocks or color chips. उनको सिखाओ कि मतलब जो है जितना हो सके उसके लिए एक्टिविटीज करवाओ, स्टिक्स ले आओ, स्टिक्स से उसको एड सब्ट्रैक्ट करना सिखाओ, रॉक से। तो इस तरीके की टेक्निक उनके लिए हेल्पफुल होगी और वो अर्ली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टूडेंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं। Make instructions relatively short, not too many steps at once. उनको धीरे धीरे सिखाओ, जो instructions है वो आप छोटी रखो, यानी कि एक ही बार में सारे instructions दे दी।
यूज एक्शंस एज वेल एज वर्ड, उसको आप बोलकर तो सिखा रहे हो बल्कि एक्शन करके भी आप खुद से सिखाओ तो वो वैसा ही सीखेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा वही कॉपी करता है जो सिख जो आप देख रहे हो. तो व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू एंटर द रूम आफ्टर रिसेस एंड प्रिपेयर फॉर सोशल स्टडीज, आस्क ए स्टूडेंट टू डेमोंस्ट्रेट द प्रोसीजर फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास बाय वॉकिंग इन क्वाइटली, गोइंग स्ट्रेट टू हिज और हर सीट एंड प्लेसिंग द बुक पेपर पेंसिल ऑन हिज और हर डेस्क. अगर आप बच्चे को ये सिखा रहे हो कि रिसेस होने के बाद, जब रिसेस आपकी खत्म हो जाती है उस टाइम आपको कैसे क्लास में एंटर करना है, तो वो आपको एक एक्शन लेके आपको उसको प्रैक्टिकल बताना है कि कोई बच्चा आ रहा है रिसेस से, आया अपने डेस्क पर बैठा, पेन पेपर पेंसिल उसने निकाली, तो इस तरीके का आप उसको जब डेमो दोगे तो वो जल्दी सीखेगा. एक्सप्लेन द गेम बाय एक्टिंग आउट वन ऑफ द पार्ट्स. गेम आप उसको सिखा रहे हो तो आप उसको एग्जाम्पल दो, उसको सिखाओ कि आपको ऐसे ऐसे करना है वन बाय वन पार्ट, तो कुछ हिस्सा गेम का आप उसको सिखाओगे तो फिर आगे वो सीखता रहेगा. हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम समवन एल्स ऑफ पॉइंट. उसको उनको हेल्प करो कि वो कैसे किसी और के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वर्ल्ड को देखे. रिलेट करो सोशल स्टडीज के लेसन को अबाउट डिफरेंट पीपल प्लेसेज बैक टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस से उसको रिलेट करो, पॉइंटिंग आउट करो सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, तो इस तरीके से बच्चा सीखेगा. अब बात कर लेते हैं हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, यानी कि स्थूल बोलते हैं इसको और हम मूर्त संक्रिय की अवस्था भी बोलते हैं. ये होती है 7 से 11 साल की अवधि. तो ये है 7 से 11 साल की अवधि, और इसमें क्या होता है बच्चे व्यवहारिक या यथार्थवादी होते हैं. तो फ्रॉम 7 to 11 इसमें क्या है, एबल टू सोल्व कॉन्क्रीट हैंड्स ऑन प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन. अब वो लॉजिक लगाकर चीजों को सोल्व करना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है एंड इज एबल टू क्लासीफाई, इसको क्लासीफाई करने में वो अंडरस्टैंड होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है इसमें, बच्चे तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है, बच्चे मूर्त समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं और अमूर्त समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं. बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं रहती. इस अवधि में बच्चे में निम्न क्षमताएं विकसित हो जाती हैं. और क्या होता है इसमें, इसमें बेसिकली कंजर्वेशन, यानी कि जब कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा संख्या भार आयतन की दृष्टि से समान अपरिवर्तित होता है, तो 7 से 12 साल तक के बच्चों में. न्यूमरलाइजेशन कहते हैं उसको, संख्या का बोध होता है. सीरिएशन यानी कि क्रम अनुसार उसको कैसी चीजें करनी है वो उसको आता है. क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, रिलेशनशिप्स को पहचानना सीख जाता है. तो ये सारी चीजें कब सीख जाता है, वो 7 से 11 साल की उम्र में, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन स्थूल या मूर्त में. अब गाइडलाइंस क्या है, आप कैसे सिखाओगे कंक्रीट ऑपरेशन चाइल्ड को, यानी कि 7 से 11 साल में आपकी ओर से क्या एफर्ट होने चाहिए. कंटिन्यू टू यूज कंक्रीट प्रॉप्स एंड विजुअल एड्स. आप उसको प्रॉप से ही, विजुअल एड्स से, जो आप पिछली स्टेज में सिखा रहे थे अब भी वैसे ही सिखाओ. स्पेशली व्हेन डीलिंग विद सोफिस्टिकेटेड मटेरियल यूज टाइमलाइंस इन हिस्ट्री एंड 3-डायमेंशनल मॉडल. साइंस आप सिखा रहे हो तो उसको 3D मॉडल से सिखाओ. सोशल स्टडीज या हिस्ट्री आप सिखा रहे हो तो उसको टाइमलाइन से सिखाओ. इस टाइम पे ये हुआ, फिर इस टाइम पे ये हुआ, फिर इस टाइम पे ये हुआ, वो चीज उसको सिखाओ. डायग्राम से उसको सिखाओ. हायर के रिलेशनशिप बनाना सिखाओ डायग्राम्स के थ्रू. तो ब्रांचेस सिखाओ कि गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे आती हैं, जो ब्लड रिलेशन का ट्री है वो ऐसे होता है. तो इस तरीके की उसको चीजें जो है सिखानी शुरू करो. अब एक्सरसाइज क्या कह सकते हो आप, कि फैमिलियर एग्जांपल दो कि उसको वो मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए. कंपेयर करो स्टूडेंट्स के लाइफ को विद दोज कैरेक्टर इन अ स्टोरी. किसी के स्टोरी में है तो उसी तरीके से बच्चे को कंपेयर करके उसको ऐसे करना सिखाओ. अब बढ़ते हैं हम लास्ट जो उसकी स्टेज थी, फॉर्मल ऑपरेशंस. फॉर्मल ऑपरेशंस को हम हिंदी में बोलेंगे औपचारिक संक्रिया की अवस्था. ये होती है 11 साल से लेकर और अडल्ट तक. तो एबल टू सोल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन. इसमें क्या होता है, लॉजिकल फैशन में बच्चा जो है प्रॉब्लम को सोल्व करता है. बिकम मोर साइंटिफिक इन थिंकिंग. वो साइंटिफिक बनता होता है अब सीखने में, सोचने में. डेवलप कंसर्न अबाउट सोशल इशू. उसको सोशल इश्यूज के बारे में कंसर्न जो है उसमें अंदर जागने लगते हैं. तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगा. अब उसके चिंतन में, सोचने में क्रमबद्धता आ गई. वो सोचता जा रहा है. अनुभव भी उसके बढ़ते हैं आयु के साथ साथ. कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है वो चीजें उसकी बढ़ती हैं. बच्चा प्रतीकात्मक शब्दों का अर्थ भी समझने लगता है. विचार संगठित और परिपक्व हो जाते हैं. बच्चे वस्तुओं की तरह विचारों के बारे में भी चिंतन करना सीख जाते हैं. यह भी सीख लेते हैं कि बच्चों को किस प्रकार वर्गीकृत या संगठित किया जाना है विचारों को. विसंगतियों को समझने की क्षमता आ जाती है. अमूर्त चिंतन की पूरी योग्यता आ जाती है. तो ये सब इसमें आने लगता है जब वो पहुंच जाता है अपने फॉर्मल ऑपरेशंस यानी कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था में.
कैसे आप हेल्प करोगे, आपको यूज करना है क्या कंक्रीट ऑपरेशनल टीचिंग मेथड्स को ही, विजुअल एड्स को आपने यूज करते रहना है, चार्ट्स उसको सिखाओ, इलस्ट्रेशंस उसको सिखाओ, ठीक है, ग्राफ्स डायग्राम्स ये सारी चीजें उसको सिखाना शुरू, और कैरेक्टर जो स्टोरी के हैं उनके साथ भी उसके एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करो। स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि वो एक्सप्लोर करें मैनी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, हैव स्टूडेंट राइट पोजीशन पेपर, देन एक्सचेंज दीज पेपर्स विद द अपोजिंग साइड एंड डिबेट, तो डिबेट करना उसको एनवायरमेंट पे, सोशल इश्यूज पे, इकोनॉमिक्स पे, ये सब उस चीज उसको सिखाना शुरू करो। तो बेसिकली ये है आपका सेंस ऑफ मोटर्स होता है बर्थ टू टू ईयर्स, एक्सप्लोर थ्रू सेंस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 12, लीनियर थिंकिंग, फॉर्मल ऑपरेशन 12 से 19। 4 स्टेजेस ये हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किसी बुक में आपको 7 to 11 मिलेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, किसी में आपको 7 to 12 मिलेगा, तो उस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। क्योंकि जो पियाजे की है थ्योरी, उसमें भी यही है कि उम्र थोड़ी बहुत इससे हो सकती है, लेकिन जो डेवलपमेंट स्टेज है वो 4 ही रहेंगे। तो सेंसर मोटर जब बच्चा इंट्रैक्ट करना सीखता है एनवायरमेंट से, जो कि यहाँ पर दिखाया गया था, जब 0 से 2 साल का बच्चा आता था, इस तरीके वो खिलौने से सीखना, चूसना, खिलौने के साथ इधर उधर करना, वो सब चीजें सीखता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जिसमें 2 से 6 या 7 साल तक आप ले सकते हो, तो इसमें बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखता है सिंबलिकली, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा कंजर्वेशन सीखता है, रूल एज कंजर्वेशन। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन, इसमें वो जो है एडल्ट चीजें, आप सिचुएशन से निपटना कैसे है, अलग अलग इश्यूज में, सोशल इश्यूज में, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें वो सीखना शुरू कर देता है। तो पियाजे की अब डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर थ्रू इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट। डेवलपमेंट कैसे होगा, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में होगा, लेकिन एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन भी होगा, एनवायरमेंट के इंट्रैक्शन के बाद होगा, एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। सो किड्स विल डिफर इन हाउ लॉन्ग दे आर इन ईच स्टेज, ये अलग अलग डिपेंड करता है, स्टेजेस तो 4 है, लेकिन बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो एक स्टेज में कितने टाइम तक रहता है। अब कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, जैसे सेकेंड वाली हमारी थी प्री ऑपरेशनल, उसमें हमने लिया 2 से 6 या 2 से 7 भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड कि बच्चा कितनी जल्दी सीख रहा है, वो स्टेज में कितने टाइम तक है। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, ड्राइव फॉर डेवलपमेंट इज इंटरनल, जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल होती है। चाइल्ड कैन लर्न ओनली लर्न सर्टेन थिंग्स व्हेन शी इज एट द राइट डेवलपमेंट स्टेज, बच्चा तभी अच्छे से सीख पाता है जब वो राइट डेवलपमेंट स्टेज पे है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस बट नॉट डायरेक्ट डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे बट वो एक डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट विल हैपन नेचुरली थ्रू रेगुलर इंटरेक्शन विद सोशल एनवायरमेंट, डेवलपमेंट होगा उसमें सोशल इंटरेक्शन भी जरूरी है, तभी जाके डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो पियाजे एंड एजुकेशन की बात करें, तो पियाजे डिड नॉट थिंक इट वॉज पॉसिबल टू हरी अलोंग और स्किप स्टेजेस थ्रू एजुकेशन, जो पियाजे है वो इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं, डू नॉट थिंक, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये पॉसिबल है कि आप स्टेप जो है वो स्टेजेस के स्टेप्स हैं, जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको आप स्किप करके एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। अब लिमिटेशंस क्या है पियाजे थ्योरी की, चिल्ड्रन ऑफर ग्रैप्स आइडिया अर्लियर देन व्हाट पियाजे फाउंड, अब बच्चे जो बच्चे पे डिपेंड करता है, तो बच्चे जो डेवलपमेंट स्टेज उन्होंने बताई है उससे पहले भी वो आइडियाज को डेवलप कर लेते हैं, वो ग्रैप्स कर लेते हैं, देन डिपेंड जनरेशन टू जनरेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस डोमेन्स इज इनकंसिस्टेंट, बेटर एट रीडिंग देन मैथ, ठीक है, जो डोमेन है इनकंसिस्टेंट है डेवलपमेंट की। स्टडीज हैव शोन दैट डेवलपमेंट कैन टू सम डिग्री बी एक्सेलरेटेड, कि डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो उसको किसी स्टेज पर तेजी से भी लाया जा सकता है, अगर बच्चा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख रहा है। तो ओवरलुकिंग कल्चरल फैक्टर, उन्होंने कल्चरल फैक्टर्स को कुछ ज्यादा ही ओवरलुक किया, तो ये थी इनकी लिमिटेशंस। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही था, जिसमें हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर की है पियाजे थ्योरी की, जो संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही यहाँ पर ट्राई किया कि दोनों को अच्छे से आ जाए। हमने दोनों चीजें यहाँ पर देखी कि उनके इंपॉर्टेंट जो पद थे, यानी कि इंपॉर्टेंट जो उनके टर्म्स जो उन्होंने यूज की वो भी, और जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस है वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से देखी।
रखी हैं कि किस तरीके से उस बच्चे को हम और तरीके से सिखा सकते हैं, क्या क्या बच्चा करना सीख जाता है, क्या लिमिटेशन है, तो सारी की सारी चीजें हमने इस वीडियो के थ्रू आपके आप तक पहुंचाई है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता है और आप चाहते हैं हम एक्सप्लेन करें, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जल्दी हम उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में था इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।